प्लीज बाहर चलिए, वो सेरेमनी कंप्लीट करते हैं। सब लोग वेट कर रहे होंगे ना, चलिए। इतना बड़ा धमाका हो रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। अजीब मुसीबत है ना, आज के दिन भी आकाश को काम पे रोक लिया। आज अगर आकाश यहाँ होता तो कितना मजा आता है ना दीदी। आजू बाजू में देखो कुसुम, आसपास लोग काम ही कर रहे हैं ना। हाँ, अरे सीजन है, ऐसे टाइम पे कहाँ छुट्टी मिलती है उनको। ओहो, रेखा जी का भी फोन नहीं आ रहा है पल्लवी की रोकी की कुछ मसालेदार खबर देने के लिए। दे 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 दे। ए, फोन कीजिए। फोन देना। गेम खेलता रहता है। एक मिनट में आई। हेलो, हाँ जी मैं आई। हाँ जी बताइए, सुन रही हूँ ना। जी बताइए, कैसा माहौल है वहाँ? अरे माहौल तो इतना ज्यादा गर्मा गया है ना यहाँ कुसुम जी, मतलब मैंने तो सोचा था कि आपको बस न्यू ईयर विश करने के लिए ही कॉल करूंगी, लेकिन अभी तो 12 भी नहीं बजे हैं और इतना बड़ा धमाका हो गया यहाँ तो। हैं? बताइए बताइए, कैसी चल रही है 12 सिंगे की लड़ाई? कौन है जो उसके साथ बंद के अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर रहा है? अब देखिए, बात अगर पल्लवी की हो और कोई धमाका ना हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? जिससे सगाई होनी थी ना, हुई ही नहीं। तो मतलब सगाई ही नहीं हुई? नहीं, क्योंकि किसी दूसरे लड़के ने आके प्रपोज कर दिया ना। है? कौन है वो जो खुद मुंह केवल खाई में गिर गया? कोई और नहीं, आप ही का फेवरेट है, आकाश। हेलो। और नहीं तो और, उसने सिर्फ पल्लवी को प्रपोज नहीं किया, उसने तो इनफैक्ट उसके पापा को प्रपोज कर दिया है। हेलो हेलो हेलो, कुसुम जी आप मेरी बात सुन रही हैं ना? हेलो, अरे ये फोन भी ना। हेलो, ओफो मर गया ये रिंकू, बिना नालायक खेलते खेलते पूरी बैटरी खा जाता है। दीदी को बताना पड़ेगा। लो दाल। दीदी दीदी, बहुत बड़ी बात है, आज उसकी सगाई थी ना 12 सिंह वाले की, वो हुई नहीं। हाँ, बहुत बड़ा कांड हो गया, एकदम डेली सोप की तरह। रेखा जी बता रही थी। क्या हुआ? उसकी सगाई हुई ही नहीं, किसी और ने उसे प्रपोज कर दिया। अच्छा हुआ अपना आकाश वहां नहीं था। अरे क्या हुआ? कुसुम पानी ठीक है? एक्सक्यूज मी, वो जो आपके रेस्टोरेंट की स्पेशल खीर है ना, वो हमारी फैमिली के लिए रख दीजिएगा, मेरा बेटा उसे बहुत पसंद है, वो आएगा तो जरूर खाएगा। थैंक यू। कुसुम पता चला किसने प्रपोज किया? वही तो, पता चलने से पहले मेरा फोन ही मर गया ना, ये रिंकू दिन भर गेम खेलता रहता है। वो तो ऐसी बात हो गई ना कि बंद दरवाजे के पीछे का राज खुलने ही वाला था, बिजली कट गई। पता नहीं क्या हो रहा होगा वहां। अपर्णा जी, क्या इस नए साल में आप मेरे साथ डांस करना पसंद करेंगे? इस उम्र में डांस का उम्र से क्या ताल्लुक? वही तो, दीदी दीदी कीजिए ना। अपना, अब हमें भी अपने लिए एक बहू ले आनी चाहिए। मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि तुम आकाश से प्यार करती हो या नहीं। झूठ नहीं, मुझे सच बोलो, तुम आकाश से प्यार करती हो, हाँ या ना? अच्छा, तुम खामोश हो क्योंकि तुम बोल नहीं पा रही हो, तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला?
क्यों बोला मुझसे झूठ? अभी थोड़ी देर पहले मैं तुम्हारे कमरे में भी आके तुमसे मैंने पूछा कि तुम्हें शादी से खुश हो, हाँ या ना? तुम सिद्धांत से शादी करना चाहती हो, हाँ या ना? पूछा कि नहीं? तो फिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? क्यों? तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, वरना तुम मुझसे झूठ नहीं बोलती? दुनिया भर की बातें करती रहती हो मुझसे, इधर क्या हुआ, ऑफिस में क्या हुआ, ये रेसिपी बनाई मैंने, पापा पापा ठीक है कि नहीं, क्या हो गया तुम्हें पल्लो? तुम्हारे का ऑफर तुमने ठुकरा दिया, अपने प्यार के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया। क्यों? क्योंकि मैं तुम पर बोझ बन गया हूं। नहीं बेटे, मैं बोझ बन गया हूं, इसलिए ना तुम मुझे कुछ नहीं बताती, चुप रहती हो हमेशा। नहीं पापा प्लीज ऐसे मत बोलो पापा। तो फिर क्या बोलूं मैं? इतना बड़ा फैसला लेने जा रही थी तुम, पता है तुम क्या करने जा रही थी? इस फैसले से तुम अपनी लाइफ बर्बाद करने जा रही थी, आकाश की लाइफ बर्बाद करने जा रही थी, सिद्धांत की लाइफ बर्बाद करने जा रही थी, इतनी सारी जिंदगी बर्बाद करने जा रही थी तुम। कुछ जवाब है तुम्हारे पास? अरे तबाही मचने वाली थी, क्या हो गया है तुम्हें पल्लू? गॉड, बोलो अपनी सफाई में क्या बोलना है, बोलो। अंकल, अंकल आप प्लीज शांत हो जाओ, नहीं बोलेगी अभी, शायद थोड़ा वक्त लगे। बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मैं आपकी पल्लू से शादी करने के लिए तैयार हूं। लेकिन मैं तैयार नहीं हूं पापा, एक बार के लिए मैं मान भी लूं कि आकाश और मैं एक दूसरे से पापा, लेकिन हम मेल नहीं खाते, हम साथ नहीं रह सकते, और ये बात तुम क्यों नहीं समझ रहे हो आकाश? लेकिन मैं समझ रहा हूं, इसलिए मेल नहीं है क्योंकि तुम पल्लवी शर्मा, तुम मुझे अकेला छोड़कर जाना नहीं चाहती, है ना? हाँ पापा, मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं पत्नी बनने के लिए अपनी बेटी होने वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं छोड़ सकती। मैं बोलूं? पल्लवी तुम भी तो रिज्यूम कर रही हो ना, मैंने तुमसे एक बार भी कहा कि मुझसे शादी करने के लिए तुम्हें अपने पापा को, अपने घर को, अपने आंगन को छोड़ना होगा, फिर तुमने ये क्यों मान लिया? पल्लवी मुझे तुम्हारी सारी शर्तें मंजूर है, प्लीज बस एक बार ही हाँ बोल दो, मैं तुम जो बोलोगी वो करने के लिए तैयार। आकाश, आकाश कुछ तो वजह है ना जो शादी ब्याह की बातें बड़े लोग आपस में तय करते हैं। अंकल मुझे तुम्हारी माँ से बात करनी है, तुम पल्लवी से शादी करोगे, उसकी सारी शर्तें तुम्हें मंजूर है, ये फैसला अकेला तुम्हारा नहीं, हमारा परिवार का भी होगा, बात को समझा कर। जी अंकल। हाँ जी मम्मा। जी हाँ मैं बस आ ही रहा हूं। जी चलता हूं अंकल। बेटा मुझे माफ कर दो, ये जो कुछ भी हुआ होना तो नहीं चाहिए था, और इस तरह तो हरगिज नहीं, मुझे गलती मेरी है, मैं ही अपनी बेटी को समझ ही नहीं पाया। पापा दोस्तों मुझे माफ कर देना, पर ये सगाई नहीं हो सकती, गलती मेरी है बेटे, मैं मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या बोलेंगे या उनकी सोच में क्या है, उन लोग की वजह से मैं तुम्हारी जिंदगी और पल्लवी की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, और इनकी मर्जी के खिलाफ तो मैं बिल्कुल नहीं मानूंगा, और जब तक पल्लवी मानेगी नहीं मैं ये कदम
अकेले नहीं उठाऊंगा। मैं बाप हूं, पाला है मैंने इसे, और इसे समझने की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैं ही नहीं समझ पाया अपनी बच्ची को। मुझे कुछ क्या बोलूं, मैं बस माफी मांगता हूं आपसे। जो कुछ है मुझे प्लीज माफ कर दो। अंकल आप सॉरी मत बोलिए। अंकल मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि संभव आपको देख के सिर्फ सच बोलने का मन करता है। मुझे बुरा लगा है, बहुत बुरा लगा, गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन ये गुस्सा अभी थोड़ी देर बाद संभल जाएगा। लेकिन आज अगर हमारी ये शादी हो गई होती तो हम दोनों एक दूसरे से जिंदगी भर गुस्सा रहते। आई रिस्पेक्ट यू कि आपने जो भी बात थी सब कुछ साफ साफ बता दी, कोई बात छुपाई नहीं। पल्लवी यू आर रियली लकी कि तुम्हें जयदेव जी जैसे पिता मिले। खैर बेटा तो नहीं बन पाया, हाँ लेकिन डॉक्टर जरूर हूं, आप शक्कर खा सकते लेकिन कंट्रोल में। हाँ जब भी याद करेंगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। आई होप तुम जिसे चाहती हो वो तुम्हें मिल जाए। ऑल द बेस्ट। बेटे ये दुनिया है, दुनिया का काम है बोलना। आज अगर सब कुछ सही भी होता ना, फिर भी घर जाके ये लोग शिकायत करते कि रायता में नमक ज्यादा था या लड्डू में शक्कर कम। जिनको बोलना है ना बोलेंगे, लोगों की चिंता मत कर। क्या हो गया, सब ऐसे घूर क्यों रहे? मॉम ऑल ओके। बाद में बात करती। हेलो आकाश बेटा, ये क्या किया तूने आकाश, और क्यों बारा सिंह वाली लड़की के साथ शादी करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? कुसुम बस कर यार, अभी इस बात को फैलाओ मत। और उस लड़की का नाम है कुछ? जी हाँ, होगा उसको कुछ भी ना, मगर मेरे लिए वो बारा सिंह वाली लड़की थी और हमेशा रहेगी। दूसरों के परिवारों में जाके ड्रामा करने वाली को मैं कैसे भूल सकती हूँ? कुसुम और देखिए, अगर आपके मन में कुछ उमड़ भी रहा है ना, कुछ बोलना भी है ना, तो इसे कहिए, जो मन में आए कर देता है। अब उस लड़की को प्रपोज करने से पहले दीदी की इजाजत नहीं चाहिए थी इसे? मैं एक बार ठंडे दिमाग से शांत दिमाग से मेरी बात सुनेगा? कुछ भी बात सुनी नहीं जाएगी। तुम जाके पहले उस लड़की को मना कर दो, उसके बाद ही बात होगी। वो लड़की इस घर में आ ही नहीं सकती। हाँ चाची प्लीज। जिस दिन मैंने पहली बार उसे देखा था ना, तब भी मैं उसे पहचान गई थी। 7:30 बजे वाले शो की वैम की तरह है वो लड़की इस घर में आनी ही नहीं चाहिए। मैंने कहा था ना दीदी, हाँ तुम जाओ पहले उसे मना कर दो, उसके बाद जाओ 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 जाओ। मम्मा एक मेरी बात सुनोगे? पल्लू कितना आइसक्रीम खाएगी?
आई नो यू आर स्ट्रेस्ड, लेकिन बीमार पड़ जाएगी पल्लो। मम्मा, मैं समझता हूँ कि आपको पल्लवी पसंद नहीं है, लेकिन प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। जो बात होनी थी हो गई। जयदेव जी को फोन लगाओ। एक बार हमें बात कर लेनी चाहिए। मैंने कहा तुमने सुना नहीं, जयदेव जी को फोन लगाओ। किसका फोन है बेटे? आकाश का। Come on guys, it's time to celebrate. Yay! Let's start. 10, 9. बोलो आकाश। जयदेव जी, मम्मा आपसे बात करना चाहती है। जयदेव जी, आपका घर आ जाइए। आपकी बेटी पल्लवी और मेरे बेटे आकाश की रिश्ते की बात करनी। तेरी फेवरेट खीर मंगवा के रखी थी, मुझे पता था तू जरूर आएगा। हैप्पी न्यू ईयर। ये दीदी की याददाश्त चली गई है या फिर कोई सदमा लगा है इन्हें? हैप्पी न्यू ईयर माँ। खुश है अब? पता नहीं तू क्यों इतना परेशान हो रही थी पल्लू। अब देख, अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है ना। आकाश की मम्मी ने खुद बुलाया है तुझे। पल्लू, वो ना बाहर से दिखती स्ट्रिक्ट है लेकिन अंदर से ना बिल्कुल सॉफ्ट है। जैसे वो मावा रोल होता है ना, बाहर से एकदम सख्त और अंदर से एकदम मुलायम, बिल्कुल वैसे। आकाश की पसंद के बारे में फिलहाल मुझे कुछ खास तो नहीं पता, लेकिन वो भी ऐसी ही लड़की चुनेगा जो परिवार को बांध के रख सके, वो नहीं जो बात बात पे तमाशा करते। यहाँ तक का हिसाब तो हम रख सकते हैं और शायद कभी ना कभी चुका भी दे, लेकिन अगर इससे ज्यादा करोगी तो हमें भारी पड़ेगा। तुम अच्छी लड़की, बस मेरे परिवार के लिए सही नहीं। पल्लो, I'm so 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 happy for you. और कितना क्यूट प्रपोजल था आकाश सर का। लड़की को नहीं, सीधा लड़के के पापा को प्रपोज कर दिया। I'm so happy. वो प्रपोजल देख के ना तो मेरे भी पेट में गुड़गुड़ होने लग गया था। सनु, गुड़गुड़ मतलब थी, मुझे कभी ऐसे किसी ने प्रपोज नहीं किया ना, जैसे आपको भी वरुण जीजू ने फ्लाइट में प्रपोज किया था और पल्लो का भी हो गया, और राकेश ने तो कभी मुझे इस तरीके से प्रपोज किया नहीं ना, और कोई सरप्राइज भी नहीं देते। क्या? मैं? You're right. Actually, वरुण मुझे अभी भी सरप्राइजेस देते। अरे पल्लो, तू क्यों क्यों नहीं कुछ बोल रही तब से? पता नहीं दी, मुझे सही फीलिंग नहीं आ रही। मुझे ऐसा लग रहा है पापा हमें नहीं जाना चाहिए। बेटे, अपर्णा जी ने फोन करके हमें बुलाया है, अगर हम नहीं गए तो ये डिसरिस्पेक्टफुल होगा। तुम और आकाश एक दूसरे से प्यार करते हैं, इस रिश्ते को इस तरह बीच में तो नहीं छोड़ा जा सकता ना। मौके की नजाकत को देखते हुए एक फैमिली फोटो हो जाए। आंटी जी, आप तो फ्रेम में है नहीं, तो आप ही खींच दीजिए ना प्लीज। अरे रवि, लेकिन वो पिक्चर में नहीं आएंगी। अरे नहीं नहीं, he is right actually, परिवार तो आप हैं। Of course, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं खींच देती हूँ। लाइए। दीदी, थोड़ा सा ना यकीन नहीं हो रहा, ये कैसे कर दिया आपने? एक ही एपिसोड में पूरी कहानी पलट दी। मेरी गलती है कि मैंने पल्लवी को बहुत लाइटली ले लिया,
सोचा था मेरी बात समझ जाएगी और आकाश की जिंदगी से चली जाएगी, पर नहीं, ऐसे नहीं मानेगी, कुछ बड़ा सोचना होगा। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.